और लौंडो, क्या हाल है भाइयों के। सुस्वागत है लौंडो एक और नए फेस टू फेस वीडियो में। एंड भाई, आज स्टार्टिंग कार हमें जीप दी गई है, तो भाई आज तो मज़ा ही आ जाएगा। और ये भैंस क्या की देख रहे हो भाई, हमारी तो पूरी आर्मी और सिस्टम चल रहा है तो चलो भाई देखते हैं। भाई आज तो अच्छा खासा भसड़ मचने वाला है, देख रहे हो भाई कितनी जीप चल रही है। लग रहा है KGF 4 की शूटिंग चल रही हो, ऐसे वाला सीन मतलब वो लग रहा है भाई। चल 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 भाई। अबे एक तो ये भाई है कि एक स्टार्टिंग के रैम पे बूस्ट देना चाहिए। अबे बूस्ट मिला है भाई, हम देख रहे हो पीछे ऐसे धुआं धुआं टाइप का निकला था ना, वो भाई होती है मतलब बूस्ट। तो चलो, अरे भैंस क्या ये नल्ले भैंस क्या खुद भी ठुकते हैं, और भैंस क्या जो प्रो प्लेयर होते हैं पापा प्लेयर उनको भी लेके चले जाते हैं। मतलब ये नहीं कि साले ये कौन भाई लेटा सीधा ही नहीं हो रहा है कह रहे नहीं भाई नींद आ रही है, अब मैं यहीं सो जा रहा हूँ भाई सोना थोड़ी रहता है। अबे भैंस क्या कभी भी स्पीड बूस्ट है हमारे पास, तो ये नल्ला अरे भसड़। अरे भैंस क्या उसको स्पीड, अरे भाई साहब भाई रेसिंग कार मिलने वाली, ये भसड़ मची, ये देखा ये भसड़ मची और लौंडे अब फट भी रहे। भाई हमें फटना नहीं है, हमें सुमड़ी में निकलना है किसी तरह। और भैंस भाई ये तो फरारी वरारी टाइप की लग रही है मेरे को रेसिंग कार, ये उरी भैंस की आंख भाई एक तो ऐसे चेक पॉइंट के जस्ट पास बूस्ट दे दी है, तो मतलब कार रुकने से भाई ज़्यादा वो बूस्ट मिल जा रही है और आगे भाग जा रहे सब। ये देखो भाई, अरे भैंस क्या भाई कार को पलटा दिया भाई, कार 3 बार सिंघम 3 की तरह ऐसे फोल्ड की है। ओ भैंस क्या भाई मॉन्स्टर बाइक मिलने, ये नल्ली मॉन्स्टर बाइक मिलने वाली है भाई, इसको तो ऐसे ठोको ये तुरंत भाई मौत हो जाती है। ये बहुत नल्ली बाइक होती है भाई फेस टू फेस में तो खासकर बहुत नल्ली बाइक है। तो चलो गाइज ये अपनी भाई रेसिंग कार करते हैं। एंड ओबे भैंस क्या हमें भी मिल चुकी है माउंटेन बाइक, और ये हम आसमानों की ऊंचाइयों से सीधे नीचे कूद गए थे इतने खुश हो गए थे कि डायरेक्ट नीचे कूद गए, कहे नहीं भाई हम नीचे एक बार मिल के आते हैं लोगों से भाई ये करते हैं, क्योंकि भसड़ में भाई ये अगर भाई बग्गी वाले आगे सामने से, अबे बग्गी वाले और ये भाई एक मॉन्स्टर बाइक, ये होगा कैसे अब भाई साहब, अच्छी खासी मुहिमें होने वाली है, अच्छी खासी बैगन लगेंगे अपने। ये नल्ला देखो भैंस क्या कहा के खुद ठोक रहा है, और ये भाई बग्गी वाले आके अपने भाई मोई में कर देंगे भाई, इनसे भाई एकदम बचे हम सुमड़ी में और निकल जाते। अरे भैंस भाई वो तो बग्गी वाले, ये देख रहे भाई बग्गी वाले जान मुझ के, अरे भाई ये सेफ था भाई, ये गिर के सुसाइड हो जाता लेकिन बच गए भाई साहब, भाई साहब मजा आ गया गाइस। अब चेक पॉइंट लेते हैं, अब मिली है भाई बग्गी, अब बना दूँ मैं सालों का कुत्ता। भैंस किया इतना मारूंगा कि भाई इनको मम्मी याद आ जाएगी। ये वापस भाई वो चेक पॉइंट को उसको मारा है बहुत भाई साहब, और तू भी जाओ, और भैंस क्या कहा ये तू भी जा दूध, अरे भैंस क्या भाई बग्गी वाले को ठोक दिया, बग्गी वाले अपने भसड़, अरे तू भी जा दूध पी क्या, तू भी जाओ भाई। ये बिना दूध पीने वाले आ जाते हैं ना तो ये सबसे ज़्यादा उड़ते हैं, फिर इनको बग्गी से मार दो तो ये सबसे ज़्यादा उड़ेंगे। ये तू भी जा दूध पी क्या, अब क्या मिलेगी, अब मिली है भाई हमें टाटा नैनो भाई क्या ही नल्ली कार है, देख रहे हो भाई एकदम छोटी सी डिब्बे टाइप की कार है। एंड भाई फेस टू फेस में इसका तो कुछ है भाई, इससे ना तुम ठोक सकते हो ना कुछ, बस इसका मोए में होने के लिए इस कार को दिया है इस मतलब फेस टू फेस में भाई। अरे भाई नाक वाली कार आ गई सामने से, अब तो भसड़ बचेगी भाई, भाई नाक वाली इस पूरे रैप में भाई नाक वाली कार है, फिर उसमें बग्गी है नैनो है भाई, अलग अलग टाइप टाइप के हैं ये देखो भाई, और एक तो भाई अभी भी जीप लेके घूम रहा है, इसको सोचो कितना मोह में होगा इसका भाई। अब तो स्पाइडरमैन बन गए थे, स्पाइडरमैन मैंने चुराया इस नाक वाले का चैन, अरे भाई मैं तेरा चैन थोड़ी चुराया हूँ, अरे भैंस क्या स्पाइडरमैन बन गए फिर से भाई, लग रहा है स्पाइडर उसका नाक वाले का भाई चैन चुरा लिया, अरे मैंने चैन नहीं चुराया भाई, तेरा सोने की चैन तू पहना था, तू जाने भाई तेरी चैन किधर है, क्या बताऊँ भाई ये नल्ले चपड़ी बेरोजगार हमने को सोचते कि हम इनकी चैन चुरा रहे हैं। अब मिली है भाई अपने को नाक वाली ट्रक, अरे भैंस क्या भाई अपने को कुछ अच्छी अच्छी चीज़ मिलती है, मैं सीधे डायरेक्ट नीचे कूद जाता हूँ अब मोई मोई करते हैं, अरे तू जा दूध पी के भाई, भाई बाइक को मिल रही है वो नल्ली सी बाइक भाई साहब, अब अरे भैंस क्या तू जा, अरे भाई साहब तो बची जा रहे, और भैंस की, अरे भैया इसको स्पाइडरमैन बन रहा हो, इसको तो स्पाइडरमैन भाई एक को तो निपटा लिया हमने एक बाइक वाले के ऊपर ट्रक चढ़ा दी भाई, अरे भाई साहब ये अब रोड ब्लॉक करेंगे भाई, ये ब्लॉक किया और एक नल्ले ने भाई आके अपने को ठोक दिया, मैं कितना अच्छा रोड ब्लॉक कर रहा था। अब मिली है अपने को ये नल्ली बाइक है, और सामने से भाई नाक वाली ट्रक आ रही है, तो सोचो भाई कितना मोह में होगा अपना देखते हैं अपन ये सुमड़ी में निकाल सक, अरे भाई साहब बैटमैन की कार मिल गई भाई, भाई भाई इसको निकालना पड़ेगा, लौंडे भसड़ बचाए और अपने को ठोके इससे पहले कर लो ये, तो भाई इसको करते, अरे भाई
गया 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 गया, अरे भाई उसकी आंख मैं तो बाइक से नीचे कूद गया भाई। अपने को बग्गी वाले ने ऐसा मारा कि हम सीधे बाइक से नीचे कूद गए। भाई सोचो इनका चलान काट दूं क्या, मतलब बग्गी वाले अपने बाइक वाले को ठोक रहे हैं, सोचो चलान काट दूं इनका। अरे भाई ये क्या सीन है बे नाक भाई, बैटमैन कार भी इसमें फंसा हुआ है ये। एक तो भाई इसको देखो बैक करूंगा कितना अजीब से बैक होगा ये देखो भाई, इतना मतलब धीरे धीरे बैक होता है ना कि मतलब कोई आके ठोक देगा अपने को। ये देखो जैसे ये ठोक दिया मादरचोद भाई, जहां से स्टार्ट किया था ये साले नल्ले मेरे को वहीं पहुंचा रहे। हाँ भाई तू भी ठोक दे, एक काम करता मेरे को छाती पे मेरे चढ़ाते। अरे भैंस के आंख नैनो वाला ठोक देता भाई, ये तो मेरी वो हो जाती भैंस के आंख नैनो वाले भी अब ठोक के भाग जा रहे हैं। चलो गाइस किसी तरह हमने सेव किया है अपने बाइक को। भाई वो नल्ला छपरी बेरोजगार अपने को ठोक दिया भाई साहब, इतने मेहनत से मैंने उसको बचाया और वो नल्ला आया कहा कि नहीं भाई 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 ये ब्रिटिश भाई कैसे निकल रहे रुको ब्रिटिश भाई को ठोक देता हूँ एक बार। मादरचोद चलो चलो गाइस निकलते। अरे भाई साहब अबे मैंने उस कार को मारी, वो कार उछल गई भाई, मतलब देख रहे हो इस बाइक में पावर कितनी है भाई मानना पड़ेगा मैं तो इसको नल्ली बाइक समझ रहा था, नल्ली छपरी बेरोजगार वाली बाइक, लेकिन इसके पास तो पावर। अरे भैंस की आंख भाई पावर है, मजाक नहीं इस बाइक में भाई साहब, कार को ठोका जीप पलट गई भाई। तो चलो गाइस इसको कर, अरे ये नाक वाले भाई, ये नाक वाले को मैं जहां देख ले रहा हूँ ना मेरे को गुस्सा और आ रही है भाई, ये भसड़ में होगी कैसे, वो बड़ी बड़ी जीप आ रही है, नाक वाली ट्रक है एंड भाई बग्गी एंड ये बैटमैन, ये देखो नल्ला बैटमैन साला मेरे को ठोक रहा है भाई। बैटमैन को बचाना होता है, ये लोगों को ठोक के बताए उसकी मोई मोई कर रहा है क्या ही नल्ला बैटमैन भाई साहब क्या ही बताऊं। इससे अच्छा तो भाई मेरे को पैदल दे दिया रहता, मैं पैदल इससे बाइक से पहले कर लिया रहता। ये भाई साहब साले को पूरा राइट में जगह दिया कि राइट से चला जा, लेकिन नहीं भाई ब्रिटिश भाई को बिना ठोके हम कैसे जा सकते हैं, एक बार तो ठोकना ही बनता है। तो चलो भाई सब करते हैं, अभी इतना पास आके तो नहीं करना है बाइक से, ये नल्ले नल्ले भाई साहब मेरे को चेक पॉइंट ले लेते, बस हो गया भाई क्या ही बताऊं। ये चेक पॉइंट, ये बाइक मेरे को इतना रुलाता है क्या ही बताऊं, टिश्यू पेपर ख़त्म हो जाता है इतना रुलाता है मेरे को अब तो भाई इससे भसड़ ले लूँगा नाक वाले ट्रक से, देखना साले को बूस्ट ऑन करूँगा नाक वाले के नीचे से निकल जा। भैंस क्या बूस्ट ही नहीं ऑन हुआ अपना बूस्ट भाई बॉनविटा के भाई वो दे दिया, धोखा दे दिया अपने को। तो चलते हैं निकलते हैं सुमड़ी में। अरे भैंस की आंख, ये क्या भाई, रैंप के बाहर ही भसड़ मचाए हुए, ओ भाई साहब ये अब क्या मिलेगी मेरे को, अब जीप मिली भाई, ये तो उसकी तरह लग रही है कोई डिफेंडर टाइप होती है ना, वो डिफेंडर टाइप की कार लग रही है ऑफ रोड भाई। देखते हैं और ठोकते देखते कुछ इससे सीन होता है कि नहीं वैसे सामने से नाक वाली ट्रक आ रही है, नाक वाले से कौन ही मैटर लेगा भाई, नाक वाली सामने से ट्रक आ रही है भाई तो सरेंडर कर दो, मेरा तो ये मानना है। चलो अरे भैंस क्या कितनी ड्रिफ्ट मार रही है भाई ये तो, उड़ी बाबा भाई पपलू भाई तो एकदम भाई भसड़ लेते रहते हैं, देख रहे पपलू भाई कैसे भसड़ ले रहे भाई साहब क्या ही बताऊं, पपलू भाई तो रुकते ही नहीं, एक बार गॉड मोड में आ जाते ना तो कहते हैं भाई मैं तो अपने आप की नहीं सुनता, मतलब पपलू भाई सलमान भाई के बिग फैन है, वो सलमान भाई की रेस 3-4 बार देखे थे तो अरे भाई साहब अब भी लिए अपने को फरारी भाई, सबसे मस्त तो इसका मेरे को स्पॉइलर लगता है, इसका स्पॉइलर जब स्पीड में चलाओगे ना देखते हैं ऐसे ऊपर उठता है, मतलब इस कार का उठता है कि ये नहीं मालूम, लेकिन भाई ये जो स्पॉइलर ऐसे ऊपर उठता है ना भाई, मेरा क्या ही बताओ, मेरे को दिल आ जाता है भाई इस कार पे। ओ भैंस की आंख, ये नल्ला नाक वाली कार मेरे को लग रही, नाक वाली ट्रक फिर से मिलने वाली, ओह हाँ भाई इसके बाद नाक वाली ट्रक ही मिलने वाली है, तभी ये साले खंबा चढ़ा के चला रहे हैं, देख रहे भाई ऐसे चला रहे जैसे खंबा चढ़ाया हो निकालते हैं भाई इसको सुमड़ी में निकालते हैं, मालूम चला फरारी तक के मोई मोए हो रहे हैं। ये नल्ला भाई अभी भी बाइक पे फंसा है, इसको तो बहुत रुलाएंगे लोग भाई उसको ना करने दे रहे भाई, उसको इतना रुलाएंगे बहुत ही रुलाएंगे। चलो गाइस अपने को मिल गई काम वाली चीज़, अब सालों का गेम बजा दूंगा भाई, सालों का ऐसा गेम बजाऊंगा, मैं इनका बहुत दिन से गेम बजाने का सोच रहा था। भाई तू राइट से चल मैं लेफ्ट से चल रहा, तो अच्छा तू लेफ्ट से जा मैं राइट से जा रहा, भाई अब तो ना जाने दे रहे भाई, सबको रोड ब्लॉक करके ऐसा रुलाएगा तेरा भाई ऐसा। अरे ये कौन आया भाई, बग्गी वाला आ गया शायद मेरे को, क्योंकि बग्गी वाला ही उड़ा सकता है। हाँ देखो बग्गी आई है भाई, अपने बग्गी ने अपना घोड़ा बना दिया भाई घोड़ा बनाया कुत्ता बना दिया भाई अपना, तो क्या ही बताऊँ गाइस, बग्गी भाई नाक वाली ट्रक भी बग्गी के ऊपर भाई आगे झुक जाती है, कहती है ना भाई बग्गी आ रही है तो झुक जाओ भाई अब क्या मिला है, अबे भैंस क्या फिर से रेसिंग कार, ये भाई इस बार तो फरारी टाइप वाली लग रही है, ये देखो भाई इसका स्पॉइलर जैसे उठ रहा है ना, मैं इसी की बात कर रहा था भाई, ये क्या ही प्यारा लगता है जो स्पॉइलर इसका ऐसे उठता है हवा की तरह, ओ भाई साहब क्या ही बताऊँ, चुमेश्वरी लौंडे चुमे
ओए माँ के लोड़े। भाई मैं जहाँ चेक पॉइंट से आया था मैं आधा तो वहीं पहुंच गया। फिर से मेरे को आधा रास्ता फिर से भाई ये अपने लिए बग्गी रास्ता बनाएगी। सही है भाई बग्गी, तू घोड़ा बना दे सबका। अरे रुक जा बग्गी वाले रुक। अरे बग्गी वाले भैया कहाँ जा रहे हो यार? भैया ब्रिटिश भैया को तो लेके चलो। अबे ये क्या भाई, उसका तो टायर वायर सब अलग कर दिया। अरे भाई साहब ये देखो भाई, बग्गी के सामने भाई नाक वाली ट्रक भी नहीं बोलती भाई, नाक वाली ट्रक भी सरेंडर कर देती है इतना, क्योंकि बग्गी भी बस भाई नाक वाली ट्रक भी उड़ा सकती है, इतना पावर है। अबे मेरे को लग रहा है एक और बाइक, वो मॉन्स्टर बाइक मिलने वाली है, तभी भाई लौंडे अभी तक फंसे हुए हैं शायद। अरे भैंस के, अबे ये जीप मिल गई अपनी, KGF वाली जीप मिल चुकी है। एंड भाई अब हम जा रहे KGF 4 की शूटिंग करने। अब देख तू, अब देख, अरे भाई क्या ही नल्ला भाई, वो बग्गी वाला था भैंस क्या अपने को इधर स्टार्टिंग पॉइंट में गिरा रहा है। कह रहे नहीं लौंडो को भाई स्टार्टिंग पॉइंट पे ही रुला देते एक और बार। क्या ये बताऊं गाइस, ये नल्लो को मैं जहां देख लेता हूं नल्ली छपरे में रोजगार को, मेरे को गुस्सा और आ जाता है, मतलब कैसे लौंडो कैसे कैसे। ओबे भाई हमने दो बग्गी को क्रॉस किया है, अब सारे भैंस क्या किए, ले दूध पी क्या पहले। अरे भाई हम ही को दूध पीने भेज दिया। अभी नाक वाले ट्रक कितने धीरे चला रहा है भाई, क्या ही चूतिया लौंडा है भाई, नाक वाली ट्रक लेके धीरे चला रहा है। ओ शिट भाई, ये इस हेवी ड्राइवर का भाई हेवी ड्राइविंग बना दे क्या। अरे भाई तुम तो सही में हेवी ड्राइवर निकले, अभी देखो सुमड़ी भी कर रहा है भाई नाक वाली ट्रक के पीछे पीछे। अरे भाई साहब मानना पड़ेगा भाई, लौंडे जो दिमाग लगाते हैं ना इसमें मानना पड़ेगा भाई। अबे ये क्या गोल गोल रानी क्यों खेलने लगे भाई हम। अब क्या मिलेगी, अब मिली है भाई बग्गी, अब बना देना है घोड़ा और इनका इतना मोय करना है, इतना मोय करना है। ये जा दूध पी क्या पहले भाई, हम उसको नाक वाले ट्रक को भी दूध पीने भेज देंगे भाई। ये जा तू दूध पी क्या भैंस क्या भाई, जो इससे मारने में मजा आता है ना, ये मारने का मजा मैं सबको देना चाहता हूँ। ये भैंस क्या, चलो छोड़ दिया लौंडो को, पहले ही मोए मोए हो रहा था, अब क्या ही ठोकू गाइस ने, अबे हम इतने दिल के अच्छे आदमी क्या ही बताओ। अरे भैंस क्या उसको स्टार्टिंग पॉइंट पे, अबे ये बाइक मिल गई भाई, ये बाइक मैं जहाँ देख लेता ना मेरे का ऐसा मूड खराब होता है, ऐसा मूड क्या ही नल्ला है भाई, इधर बाहर आके ड्रिफ्ट मार के अपने को गिरा रहा, क्या ही बताऊँ भाई। लेकिन इस अच्छे खासी मोहिम में होगी भाई ये वाली बाइक से तो। ये वाली बाइक इतना रुलाएंगे ना देखना, इसमें तो एक ये सीन है कि जैसे इससे गिरोगे ना तो वैसे ही भाई सुसाइड हो जाता है, पता नहीं कैसे। इसमें भाई कुछ ना कुछ तो प्रोटेक्शन देना ही चाहिए, ये देखो भाई भाई, अरे भाई भाई अबे बताओ भाई, इतने भाई नॉर्मल गिरा, इससे अच्छा तो उठ के बैठ जाना चाहिए था बाइक पे, क्या ही बताओ। ये नल्ले क्रिएटर भाई क्या ही बताओ, ऐसा मोय मोय वाला चीज करते हैं ना कि मेरा मतलब मूड ही खराब हो जाता है, मतलब ऐसा मूड खराब होता है क्या ही बताऊं मैं। तो चलो गाइस इसको सोमड़ी में करते हैं, कुछ आगे जा रही है शायद वो जीप जा रही है, उसका भाई टेक लेके करते हैं बैटरी देके। अबे दो नाक वाले भाई साहब, ये नल्ला बग्गी वाला थोड़ी पहले आ जाता तो मैं उससे बच जाता। ये नाक वाले ट्रक से भाई, नाक वाले ट्रक ने अपने को दो नाक वाली ट्रक थी उससे बचना था बस, क्या ही बताऊं। अरे भैंस की, अरे ये कहां भाई, आसमानों की चाइयों में चारों तरफ कोरा ही कोरा। अरे भैया लैंड हो गए तो, अब यहाँ से देखते हैं कि अपन डायरेक्ट चेक पॉइंट पे लैंड कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि यहाँ से तो कोई गिरा भी नहीं सकता है। तो देखते हैं गाइस यहाँ से। अबे क्या ही सीन लग रहा है भाई, एक लौंडा और है जो ऊपर है, वरना भाई को ये बिना कार के कैसे घूम रहा है, मैं पैदल उदल भी करना है क्या शायद। अरे लैंड पलट गई, अरे भाई वो पलट गई भाई, मेरी बाइक ही पलट गई उतने, क्या ही बताऊं गाइज, मेरे से मत पूछो मैं अभी डेस्परेशन में चल रहा गाइज। उतने पास जाके भाई कुछ नहीं आ रहा था, मेरी कार पर बाइक पलट गई, मतलब बाइक ने भी धोखा दे दिया, बाइक ने भी गद्दारी कर दी अपने साथ। अबे ये क्या भसड़ मची है भाई, यहाँ भाई तू काम कर मेरे को वापस ले चल, एक काम कर मेरे को वापस ले चल कि देखता हूँ क्या आता हूँ हो क्या रहा है पीछे। आओ गाइज सुमड़ी में करते हैं, अभी तो कोई नाक वाला आ नहीं रहा है, बस ये एक नल्ला जीप वाला जो, ये कौन पैदल भाग रहा है भाई, हैकर है भाई, हैकर हैकिंग देख रहे हो भाई, लौंडा कार छोड़ के पैदल कर रहा है। मैं कह रहा था ना भाई उस बाइक से अच्छा मेरे को एक बार पैदल दे दिए रहते, वो सही में पैदल करने लगा भाई, वो तो बात को दिल्ली पे ले लिया। तो चलो गाइस अपने को बैटमैन वाली, अरे भैंस क्यों रॉकेट कार मिली है, अब मैं भाई सोच रहा हूँ एक बार चांद घूम ही क्या हूँ, चांद तारे तोड़ ही लाऊं अपने एक्स के लिए भाई। तो चलो गाइस हम चलते हैं अपने भाभी के लिए भाई, तुम्हारे भाभी के लिए हम चांद तारे तोड़ के लाते हैं एक बार। अरे भैंस ये तो भाई भसड़ हो गई, बताओ गाइज यहाँ पे मैं स्पेस में आया, यहाँ पे उसके दिल में कितनी जगह, वो मैं सोचा कि भाई मैं ही रहता हूँ सिर्फ उसके दिल में, लेकिन ये देखो उसके दिल में कितनी भीड़ लगी है भाई, सब चांद तोड़ तारे तोड़ने आए, देख रहे हो गाइज, क्या ही बताऊँ मैं। तो चलो गाइज अपन चेक पॉइंट लेते हैं एंड भाई चांद तारे हम बाद में तोड़ेंगे अब। पहले हम भाई ये ले लेते हैं जीप, भाई साहब ये जीप क्या ही लगती है भाई, डिफेंडर ये ऑफ रोड के लिए सबसे परफेक्ट कार होती है, भैंस क्या मजा ही आ जाता है, क्या ही बताऊं मैं।
ये भाई साहब नाक वाले कार एकदम अपनी जैसे रैली वाली चला रहे हैं भाई, क्या ही है, देख रहे हो सब भाषण मचाए हुए। भाई चल बग्गी वाले, तू चल मेरे लिए रास्ता। अरे बग्गी वाला खुद ठोक गया, मेरे लिए क्या रास्ता बनाएगा, वो तो उसके तो खुद बैगन लगे हुए हैं। उसकी तो खुद बीटी हो रही है भाई, वो मेरे के लिए जगह कहाँ बनाएगा। भाई एक आ रहा है, एक नाक वाला ट्रक आ रहा है, वो नहीं 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 ठोका भाई, सुमड़ी में निकल जाए। अबे हम अब ये शिट भाई, ये शिट, मेरे को चेक पॉइंट के जस्ट पास। अबे मेरा मूड इसीलिए ख़राब होता है भाई, मेरे को चेक पॉइंट के पास आके बताओ भाई, ठोक दिया उस लौंडे ने, मतलब क्या ही बताऊँ गाइस। अब बताओ इनके भाई, इनको बम से ना उड़ा दूँ, मेरे को भाई ऐसा लगता है इनको साले को मैं बम से उड़ा दूँ। ये देखो मेरे को फिर मार दिया गाइस। अबे क्या ही बताऊँ भाई, ये नाक वाली ट्रक को मैं जहाँ देखता हूँ ना, जब तक मेरे पास नहीं रहती है सपोनेंट के पास रहेगी, इनको जहाँ देख लेता हूँ मेरे को गुस्सा आ जाती है। बताओ साले के पास रॉकेट कार है फिर भी उसके मोए में ये है भाई साहब। अरे ये देख लो गाइज, हमने बैक फ्लिप कर दी, हम स्टंट करते हैं गाइज, स्टंट करके एक बार हम बाइक फिर चेक पॉइंट लेते हैं। तो चलो गाइज चेक पॉइंट लेते हैं, मेरे को लग रहा है अपन को नाक वाली ट्रक मिलने वाली है। एक बार नाक वाली ट्रक मिल गई ना सालों का भाई, वो जो लास्ट में गिराया था उसका बदला लेगा मैं सबसे, जो आएगा उसको गिरा दूंगा मैं। मैं मतलब बदला ले लूंगा। तो चलो गाइज अपन लेते हैं नाक वाली ट्रक एंड भाई साहब मोए मोए करते हैं लॉन्डो। ये भाई साहब बग्गी, अरे नहीं 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 यहाँ से, शिट भाई शिट शिट गाइज, मेरे से मत पूछो मैं डिस्प्रेशन। भाई साहब दो बार मैं चेक पॉइंट के जस्ट पास आके, मादरचोद भाई साहब मेरे को चेक पॉइंट से गिरा दिया गाइज, क्या ही बताऊँ, मेरे से मत पूछो गाइज, मैं अभी डिस्प्रेशन में चल रहा। मैं कब कुछ नहीं बता सकती। अबे तू मेरे को ठोकता ना तेरी फरारी का मैं बम्पर तोड़ देता, मैं शीशे उशे तोड़ देता उसका। भाई सोचो अपने मोए मोए कर रहा है भाई स्टार्टिंग में। ओ भाई साहब, अरे भैया जी, अरे भाई ये आ गई, अरे भाई साहब नाक वाले ने फिर ठोक दिया भाई, ना जल्दी करता हूँ वरना नाक वाला आ रहा है फिर अपने को ठोक के यहाँ से गिराएगा। तो भाई इस बार मैं गिरा ना मैं रो दूंगा। मैं ना सहने वाला भाई। तो चलो गाइस करते हैं, एंड भाई है तो कोई नहीं, अपन को गिराने वाला कोई नहीं है, बस एक नल्ला है उसको बस वो, हाँ वो भी उसको भी मिल गई नाक वाली ट्रक। अब भाई हम लोग ब्लॉक करेंगे रास्ता, चलो अब रास्ता ब्लॉक करके सबके मोए मोए करेंगे गाइस, अब मजा आएगा ना बिडू, अब तेरा भाई करेगा लोगों को परेशान। तो चलो गाइस देखते, अरे नहीं भाई सामने से वो आ रही बग्गी, बग्गी आ रही थी भाई। बग्गी ने अपना कुत्ता बना दिया, कह रहे साले मेरे से भसड़ लेगा, रुक मैं बता रहा हूँ, रुक मैं बता रहा हूँ। एक कौन भाई अरे भाई कोई एक नल्ला है पैदल आके ये उसको दबा दिया। उसके ऊपर भाई हमने कार लिए ट्रक चढ़ा दी, अरे भैंस ये भाई, इतने अच्छे से मैंने सीधी की थी, सालों ने फिर इसको टेढ़ी कर दी। कह रहे भाई नहीं आओ इसको टेढ़ी कर देते। तो गाइस कोई तो आ रहा है, अब ये करने देते भाई, रहने देते, नैनो के वैसे ही मोए में होते, मैं मार दिया मालूम चलो और बाहर चला गया। भाई साहब ये दुख वो सह नहीं पाएंगे, जैसे मैं दो बार गिराऊँ ना भाई चेक पॉइंट से, ये वो नहीं सह पाएंगे भाई दुख। चलो गाइस इनको भाई निकलते हैं सुमड़ी में, एंड इसको ले, अरे भैंस क्या उसको मार ही, वो उसको भाई मैं निकल रहा था लेफ्ट से, उसने खुद आके ठोका है भाई, मैं तो उसको जगह दे रहा था, उस साले ने खुद अपनी मोई मोई कराई है। चलो गाइस अपन को अब मिला है, अरे भैंस क्या नैनो मिल गई गाइस, तो अब नैनो को करते हैं एंड सुमड़ी में निकलते हैं, क्योंकि भाई अगर सामने से नाक वाली ट्रक आ गई ना तो मैं, और ये भैंस क्या रेसिंग कार आ रही है शायद। तो चलो गाइस हमें सिर्फ इस वाले को निकालना है। अबे भाई एक नाक वाली ट्रक भी आ रही है, अरे भैया जी भैया जी मेरे को जाने दीजिए, मेरे को सुमड़ी में निकलना है। अच्छा तुम्हें सुमड़ी में निकलना है, रुको जाओ। और चलो गाइस निकलते हैं, अब हम निकलते हैं, अब भाई साहब कोई है ही नहीं भाई टक्कर में, देख रहे हो अपने आगे कोई आ ही नहीं रहा है अपने से भसड़ लेने, कह रहे नहीं भाई इस आदमी से भसड़ नहीं लेंगे, ये साला मोए मोए निकाल देगा। ओ भाई अपन को रेसिंग कार मिल गई, अब देख तू, अब देख भाई 200-300 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलाएगा एंड जू से चेक पॉइंट ले लेगा तेरा भाई, तेरा भाई ने ऐसे चेक पॉइंट लिया, ऐसे चेक पॉइंट, अरे भाई अबे उसको भाई वो फ्लैग गिर जाए, अबे गया 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 भाई वो भाई उसको हमने गिरा दिया, बस आ गया गाइस, क्या ही मज़ेदार चीज़ हुआ है अपने साथ। तो चलो भाई निकलते हैं निकलते हैं, जल्दी से चेक पॉइंट लेते हैं। अरे भैंस की आग भाई। लेकिन वो बाइक वाले कुछ गिराया ना भाई, मज़ा आ गया कसम से। और लौंडो ये वीडियो कैसी लगी मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ, एंड वीडियो को लाइक करो यार, शेयर करो, एंड भाई सब्सक्राइब कर लेना। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।